हेलो एवरीवन, स्वागत करो शो फरी एक बार तमाम मित्रों गुजरात गवर्नमेंट जॉबना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कि ज्यां तमने मळशे दररोज आवनारी नवी नवी सरकारी नौकरीओ प्राइवेट नौकरीओ अने करार आधारित भर्तीओने लगती अपडेट ए पण बिल्कुल फ्री में। वीडियो में आगळ वात करीशु दोस्तों, एना पहेला तमाम मित्रों थी रिक्वेस्ट करूँ छूं, जो तमारा मोबाइल में टेलिग्रामनी एप्लिकेशन छे अने तमे रेग्युलर यूजर्स हो तो सर्च वाला सेक्शन में गुजरात गवर्नमेंट जॉब लखीने सर्च करशो तो तमने आपणी टेलिग्राम चेनल सौथी ऊपर एटले के टॉप में नजरे आवशे। आपणी आ टेलिग्राम चेनल अंदर हाल में 21,400 करता पण वधारे मेम्बर्स जोड़ाया है। एनुं कारण है कि आपणी टेलिग्राम चेनल में जोड़वानो कोई चार्जिस नथी, फ्री में मेम्बरशीप है। साथ तमे आपणी यूट्यूब चेनल में पण आज रीतथी जोड़ाई शको छो, लिंक है तमने आजनी वीडियो नीचे मळी जशे। अने खूब सारी अपडेट साथे मळ्या छे दोस्तों आजनी एक नवी वीडियो में। ऑक्टोबर महीनानी खूब ज सारी भर्ती अंगेनी माहिती छे। भारतना पावर महारत्न साथे शक्तिशाळी कारकिर्दी एटले के कैरियर बनावा जो तमे मांगता होय तो आ वीडियो ने अंत सुधी जरूर थी जोजो। एंजीनियरिंग एक्जिक्यूटिव नी भर्ती तालीमार्थीओ ने वर्ष 2022 थ्रू गेट 2022 थ्रू तमने आ नौकरी मळी शके छे। वधु डिटेल में समझिए तो एनटीपीसी लिमिटेड 7,234 मेगावॉट नी स्थापित क्षमता साथे भारतनो सौथी मोटो पावर समूह छे, एटले के पावर जनरेशन छे। आपणा देशना विकासना पड़कारों ने अनुरूप एनटीपीसीए 2023 सुधीमां 130 गीगावॉटनी कुल स्थापित क्षमता हासिल करवानी महत्वाकांक्षी योजना पण शुरू करी छे। तो तेनी महत्वाकांक्षी योजना ने बळ आपवा माटे एनटीपीसी एंजीनियरिंग एक्जिक्यूटिव ट्रेनी 2022 तरीके इलेक्ट्रिकल मिकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रुमेंटेशन सीविल अने माइनिंग नी एंजीनियरिंग शाखाओं में तेजस्वी शैक्षणिक रेकॉर्ड धरावता आशास्पद मेहनतू अने समर्पित युवान स्नातक इजनेरोनी शोध में छे। तो जो तमे इलेक्ट्रिकल मिकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रुमेंटेशन सीविल अने माइनिंग एंजीनियर छो तो तमे एनटीपीसी में आजे ज अरजी करी शको छो। अने खास 40,000 થી 1,40,000 સુધીની E1 ગ્રેડની તમને સેલરી પણ મળશે। નંબર ઓફ વેકેન્સીની વાત કરીશું 864 છે દોસ્તો। 864 એટલે ખૂબ જ વધારે કહી શકાય। ટોટલ 864 જગ્યાઓ પર ભરતી છે, જેમાં ગુજરાતના પણ ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે। લાયકાતની વાત કરીશું તો એન્જિનિયરિંગ અથવા ટેકનોલોજી AMIEમાં પૂર્ણ સમયની ગ્રેજ્યુએશનની ડિગ્રી સાથે संबंधित संस्था यूनिवर्सिटी ना धोरणों मुजब 65 એટલે કે 65% કરતા વધુ ઓછા ગુણ નહીં એવા એસસી એસટી પીડબ્લ્યુડી ઉમેદવારો માટે 55% રહેશે। તો આવા ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે જેઓએ એન્જિનિયરિંગ ગેટ 2022 માં ગ્રેજ્યુએટ એપ્ટિટ્યુડ ટેસ્ટ માં જે હાજર રહેવું આવશ્યક છે। નીચે આપેલ વિદ્યાર્થી શાખાઓ માટે ઓળખાયેલ નિયત ડિગ્રી ધરાવતા ઉમેદવારો માત્ર સંબંધિત શિસ્તમાં ઈઈટી ની પોસ્ટ માટે અરજી કરી શકશે। माध्यम अने इजनेरी में संपूर्ण समय की डिग्री नक्की करी शे। तो सौथी पहला इलेक्ट्रिकल एंजीनियरिंग की बात करीशू तो इलेक्ट्रिकल एंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रुमेंटेशन एंड कंट्रोल पावर सीस्टम और हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक पावर एंजीनियरिंग वगैरह फील्ड में एंजीनियरिंग धरावता उम्मीदवार अरजी कर सकते। मिकेनिकल दोस्तों बात करीशू तो मिकेनिकल एंजीनियरिंग में यांत्रिक उत्पादन औद्योगिक एंजीनियरिंग ઉત્પાદન અને ઔદ્યોગિક એન્જિનિયરિંગ થર્મલ મિકેનિક અને ઓટોમેશન પાવર એન્જિનિયરિંગમાં જો તમે ફિલ્ડમાં મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ કર્યું હશે તો તમે આજે જ અરજી છે દોસ્તો તે કરી શકશો। ત્રીજું ઇલેક્ટ્રોનિક એન્જિનિયરિંગ, હવે આમાં કઈ કઈ ફિલ્ડ આવશે તો એમાં આવશે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ કોમ્યુનિકેશન ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ પાવર પાવર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ કોમ્યુનિકેશન અને ઇલેક્ટ્રિક એન્ડ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ। તો આટલી ફિલ્ડમાં જો તમે લાયકાત ધરાવો છો તો આજે જ અરજી કરી શકશો। એના પછી આવશે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન એન્ડ એન્જિનિયરિંગ, તો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન એન્જિનિયરિંગમાં ઇલેક્ટ્રોનિક એન્ડ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન એન્ડ કંટ્રોલ ઇલેક્ટ્રોનિક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન એન્ડ કંટ્રોલ આટલી ફિલ્ડના ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે। સિવિલ એન્જિનિયરિંગ વાત કરીશું તો સિવિલ એન્જિનિયરિંગ માટે કન્સ્ટ્રક્શન એન્જિનિયરિંગ અથવા સિવિલ એન્જિનિયરિંગ ફિલ્ડવાળા અરજી કરી શકશે। જ્યારે માઇનિંગ એન્જિનિયરિંગમાં ખાણકામ એન્જિનિયરિંગ એટલે કે માઇનિંગમાં જેઓએ એન્જિનિયરિંગ કર્યું છે એવા ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે। તો આ ભરતી માટે જરૂરી શરતો સમજીએ તો ઉંમર મર્યાદા જનરલ ઈડબ્લ્યુએસ માટે ઉચ્ચ વયમર્યાદા ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 27 વર્ષ હોવી જોઈએ। સરકારી માર્ગદર્શિતા મુજબ એસસી એસટી ઓબીસી પીડબ્લ્યુડી એક્સ સર્વિસમેન માટે વયમર્યાદામાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે। પસંદગી પ્રક્રિયા સિલેક્શન પ્રોસેસર શું છે એ સમજી લઈએ।
तो उम्मीदवारों एंजीनियरिंग गेट 2022 में ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट माटे हाजर रहेवू आवश्यक छे। गेट 2022 ना प्रदर्शन ना आधारे उम्मीदवारों नी पसंदगी करवामां आवशे। प्लेसमेंट कई रीतनुं छे तो पसंद करेला उम्मीदवारों विविध स्थळों एक वर्षनी तालीम लेवी पड़शे। तालीम पूर्ण थया बाद पोस्टिंग में अंतिम जग्या नक्की करवामां आवशे। एनटीपीसी नी पेटा कंपनीओ जॉइंट वेन्चर कंपनीओ सहित समग्र देश में उम्मीदवारों पावर प्लांट की शिफ्ट कामगीरी माटे कोईपण प्रोजेक्ट स्टेशन में मूकी शकाय छे ने तेमणे पाड़ी में एटले के शिफ्ट में काम करवू पड़शे। पोस्ट माटे अरजीना उम्मीदवारों ने रातनी पाड़ी सहित काम करवा माटे अंतिम तरीके गणवामां आवशे। हवे दोस्तों बात करीशु अरजी कई रीतथी करी शकाय। तो उम्मीदवारोए ईईटी 2022 ની પોસ્ટ માટે गेट 2022 नोंधणी नंबर साथ ntpc.co.in पर career.ntpc.co.in पर अथवा कारकिर्दी विभाग की मुलाकात लईने ऑनलाइन अरजी करवानी रहेशे। उम्मीदवारों ने अरजी करता पहला विगतवार पात्रता मापदंडों आरक्षण और छूटछाटों पसंदगी प्रक्रिया प्लेसमेंट और अन्य विगतों माटे अमारी वेबसाइट उपलब्ध जाहरातना संपूर्ण टेक्स्ट में पसार थवानी विनंती करवामां आवे छे। महत्वपूर्ण तारीखों की बात करें तो ऑनलाइन अरजी की शुरुआत 28 ऑक्टोबर 2022 है और अरजी करने की छेली तारीख 11 नवम्बर रहे। तो एनटीपीसी लिमिटेड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों करियरवाड़ा जो ऑफिशियल वेबसाइट है त्या जाइने पण तमे अरजी कर सकशो। आशा राखू छू आ वीडियो तमने सौ ने गम्यो हशे। खरेखर गम्यो हो तो एक वार लाइक कर आपजो। फरीथी मळीशुं त्यां सुधी गुड बाय टेक केर।